तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर 15,000 स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों जैसा कि अप्रैल में लॉकडाउन प्लस इंक्रीमेंट हुआ है जीएसटी का, जहां पे 12% से 18% जीएसटी कर दी गई, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि अब कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए 15,000 रुपये के बजट में। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको काफ़ी अच्छे फीचर के साथ मिलने वाले, स्पेसिफिकेशन के साथ मिलेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाले हैं, चाहे बात की कैमरा, डिस्प्ले या फिर प्रोसेसर की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेक्नो प्रवीण और आप देख रहे हैं टेक्नो प्रवीण। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो आइए दोस्तों वन बाय वन जानते हैं वो तीनों स्मार्टफोन कौन से हैं जो कि हमको मात्र 15,000 रुपये के अंदर काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ मिलते हैं। यहाँ पे सभी स्मार्टफोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नंबर तीन की, उसके बाद आपको बताएंगे नंबर वन पे कौन है जो कि आपको काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नंबर तीन की, तो नंबर तीन पे आता है ऑनर की तरफ से ऑनर का 9X, जो कि काफ़ी अच्छे बजट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पॉपअप सेल्फी कैमरे का सपोर्ट मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले बात कीजिए इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो आपको यहाँ पे 6.59 इंच का IPS LED डिस्प्ले मिल जाता है। इसके बाद बात कीजिए इसके कैमरे की, तो आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है जिसमें कि 48 MP, 8 MP प्लस 2 MP का बैक कैमरा, 16 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इसके अलावा बात कीजिए इसके बैटरी बैकअप की, 4000 mAh की बैटरी, USB टाइप सी का पोर्ट आपको मिल जाता है। दोस्तों ये था 9X ऑनर का, लेकिन यहाँ पे बात कीजिए इसके प्रोसेसर की, तो आपको यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा कमज़ोर मिलता है जिसकी वजह से ये आता है नंबर तीन पे। अगर आप लेना चाहते हैं तो पॉपअप सेल्फी कैमरा और भी बाकी चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो है वो थोड़ा कमज़ोर मिलता है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। दोस्तों ये था तीसरा स्मार्टफोन। अगर बात की जाए नंबर दो की, तो नंबर दो पे आता है Realme 6। जी हाँ दोस्तों, Realme 6 जैसा कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन हमको इस स्मार्टफोन में मिल जाते हैं जिसमें कि हमको प्रीमियम फीचर देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए इसके डिस्प्ले की, तो आपको 6.5 इंच का IPS LED डिस्प्ले मिलता है जिसमें कि आपको Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। सबसे पहले बात कीजिए इसके कैमरे की, बैक कैमरे की, तो आपको क्वाड कैमरे का सपोर्ट मिलता है जिसमें कि 48 MP, 8 MP प्लस 2 MP के दो कैमरे, और फ्रंट में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ आपको मिलता है। इसके अलावा बात कीजिए इसके बैटरी बैकअप की, तो आपको बैटरी बैकअप 4300 mAh की बैटरी मिलती है जिसमें कि आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा USB टाइप सी मिलता है। दोस्तों इसके अलावा बात कीजिए इसके प्रोसेसर की, तो आपको प्रोसेसर काफ़ी अच्छा मिलता है जो कि G90T का प्रोसेसर मिलता है। आपको गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप गेमिंग करना पसंद है, PUBG वगैरह आप खेलते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे प्रोसेसर का मिलेगा जो कि आप गेमिंग काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था Realme 6, जो कि आपको 15,000 रुपये के कम बजट में आसानी से मिल जाएगा, जो कि आता है नंबर दो पे। यहाँ पे बात की जाए नंबर वन स्मार्टफोन की, तो नंबर वन पे आता है Redmi Note 9 Pro। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 9 Pro जो कि आपको काफ़ी यूनिक फीचर के साथ मिलता है। अगर यहाँ पे बात की जाए सबसे पहले इसके डिस्प्ले की, तो आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले मिलता है वो 6.67 इंच का IPS LED डिस्प्ले मिलता है जिसमें कि आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो स्क्रीन आपको काफ़ी हैवी मिलती है, काफ़ी अच्छी मिलती है। इसके बाद बात कीजिए इसके कैमरे की, तो आपको क्वाड कैमरे का सपोर्ट मिलता है जो कि 48 MP का क्वाड कैमरा है, 48 MP, 8 MP, 5 MP प्लस 2 MP का बैक कैमरा, और यहाँ पे आपको 16 MP का पंच होल डिस्प्ले के साथ यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है जो कि 16 MP का होने वाला है। इसके बाद बात कीजिए इसकी बैटरी बैकअप की, तो आपको बैटरी बैकअप भी ओवरऑल काफ़ी अच्छी मिलती है जो कि 5000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, USB टाइप सी मिल जाता है। इसके अलावा बात कीजिए इसके प्रोसेसर की, तो आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 720G मिलता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है जो कि आपको लगभग यहाँ पे 15,000 रुपये के बजट के अंदर मिल जाएगा, 13,000-14,000 रुपये के आसपास। तो दोस्तों ये था नंबर वन स्मार्टफोन जो कि आता है Redmi Note 9 Pro। अगर आप तीन स्मार्टफोन जो कि मैंने बताया अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये तीनों स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर होने वाले हैं, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल सबसे अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, तो मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि आप Redmi Note 9 Pro के साथ जाएं, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आपको अच्छा प्रोसेसर चाहिए, तो आप Realme 6 के साथ भी जा सकते हैं, वो भी बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप सेल्फी कैमरा या पॉपअप कैमरा के साथ जा सकते हैं, तो 9X के साथ जा सकते हैं जो कि ऑनर की तरफ से होने वाला है। तो दोस्तों ये था तीन स्मार्टफोन जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।